नमस्कार, आप देख रहे हैं डेली बज इंडिया। लखीमपुर खीरी का कांड होते ही सबसे पहले अगर किसी विपक्षी नेता ने अपने तल्ख तेवर दिखाए थे तो वो थी प्रियंका गांधी वाड्रा। जिस तरीके से उन्होंने लखीमपुर खीरी पहुंचने की कोशिश की, पुलिस से हुई उनकी झड़प ने उन्हें सुर्खियों में पहुंचा दिया। तब से प्रियंका अपने घर से पूरी तरीके से दूर है और अब उनकी हिरासत पर उनके पति रॉबर्ट वाड्रा ने सवाल खड़े किए हैं। लखीमपुर खीरी कांड में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा हिरासत में है और अब इसी बात को लेकर उनके पति रॉबर्ट वाड्रा ने सवाल खड़े किए हैं। वाड्रा की तरफ से कहा गया है कि उनका परिवार बुरी तरीके से घबराया हुआ है और उनके बच्चे बेहद परेशान हैं। रॉबर्ट वाड्रा ने सवाल किया कि आखिर उन्हें किस बिना पर हिरासत में रखा गया है। रॉबर्ट वाड्रा ने बीजेपी पर सवालिया निशान खड़े करते हुए जमकर हमला बोला, साथ ही योगी सरकार को जमकर निशाने पर लिया। रॉबर्ट वाड्रा ने यूपी में महिलाओं की मौजूदा स्थिति पर सवाल भी खड़े किए। रॉबर्ट वाड्रा ने योगी सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने उत्तर प्रदेश में महिलाओं की स्थिति के बारे में कहा कि यूपी में महिलाओं की हालत बेहद दयनीय है, उनके साथ बेहद खराब बर्ताव किया जा रहा है। महिलाओं की हालत खराब है, किसानों के साथ बुरा बर्ताव किया जा रहा है, कहीं भी उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। अपनी पत्नी के लिए बात करते हुए उन्होंने कहा कि विपक्षी दलों के तमाम नेताओं को रिहा कर दिया गया तो प्रियंका को किस आधार पर हिरासत में अभी तक रखा गया है। प्रियंका गांधी वाड्रा के बारे में बात करते हुए रॉबर्ट वाड्रा ने कहा कि मेरी पत्नी को लगातार डिटेन करके रखा हुआ है, विपक्ष के तमाम नेताओं को रिहा कर दिया गया, लेकिन ऐसी कौन सी सियासी रंजिश है जिसके चलते उन्हें रिहा नहीं किया जा रहा। उन्होंने योगी सरकार की कार्रवाई पर सवाल भी खड़े किए हैं। उन्होंने कहा, योगी सरकार ये बताए कि उसने किस आधार पर मेरी पत्नी को हिरासत में रखा हुआ है। एक महिला से आप इस कदर घबरा गए कि उनको आपने रोका हुआ है। प्रियंका सिर्फ अपने दो ही साथियों के साथ वहां पहुंची थी। अगर उनको पीड़ितों से मिलने की इजाजत दी गई होती तो ये सब जो कुछ भी हो रहा है ऐसा कुछ भी नहीं होता। रॉबर्ट वाड्रा ने अपने घर और अपने बच्चों के बारे में भी बताया। उनका कहना था कि उनके बच्चे बुरी तरीके से डरे हुए हैं। रॉबर्ट वाड्रा के मुताबिक जब से प्रियंका को हिरासत में लिया गया है तब से उनके बच्चे बेहद परेशान हैं। उन्होंने प्रियंका वाड्रा से हुई अपनी बातचीत का भी जिक्र किया। उन्होंने बताया, मेरे बच्चे प्रियंका के हिरासत में लिए जाने से बेहद परेशान हैं। मैंने जब प्रियंका से बात की तो उन्होंने मुझे बताया कि यहां उनका इंटरनेट भी काट दिया गया है। उनकी तरफ से मुझे कुछ नंबर्स दिए गए हैं ताकि मैं उनसे बात कर सकूं, संपर्क साध सकूं। मेरी और मेरे बच्चों की परेशानी बढ़ती जा रही है। मैं पति हूं उनका, वही मेरे बच्चों के जहन में भी बस एक ही बात है कि काफी समय हो चुका है और वो घर कब लौटेंगी। प्रियंका गांधी ने योगी सरकार पर अवैध तरीके से उन्हें बंधक बनाने का आरोप लगाया। उन्होंने यहां तक कहा कि उन्हें अपने वकील से भी मिलने की इजाजत नहीं दी जा रही है। प्रियंका गांधी वाड्रा की तरफ से आरोप लगाया गया कि उनको अवैध तरीके से बंधक बनाकर रखा गया है, यहां तक कि उनको उनके वकील तक से मिलने की इजाजत नहीं है। अपनी गिरफ्तारी के बारे में बताते हुए प्रियंका गांधी की तरफ से बताया गया है, मुझे हिरासत में लेने वाले अधिकारी डीसीपी पीयूष कुमार सिंह सीओसीटी सीतापुर की तरफ से मौखिक रूप से सूचित किया गया कि मुझे 4 अक्टूबर 2021 को सुबह 4:30 बजे धारा 151 के तहत गिरफ्तार किया जा रहा है। जब से लखीमपुर खीरी कांड हुआ है तब से प्रियंका गांधी वाड्रा पूरी तरीके से सक्रिय नजर आ रही हैं। अब देखना होगा कि उनकी सक्रियता किस तरीके से आने वाले विधानसभा चुनाव में उनको फायदा पहुंचाती है। ये थी हमारी खबर, आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि दिन भर की बड़ी खबरें आपको मिलती रहें।